नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता दिग्गज नेता शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में महारत के लिए जाना जाता है। थरूर अक्सर अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों का सिर चकरा जाता है। शुक्रवार को भी उन्होंने ऐसा ही किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को ट्विटर पर फ्लॉकी नॉकनी हिली पिलीफिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया। अब इसके उच्चारण और मतलब को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल थरूर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के साथ ट्विटर संवाद के दौरान इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था। राव का कहना था कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही दवाओं के नाम बहुत कठिन है, जिनका उच्चारण आसान नहीं होता है। क्या कोई विचार है इन दवाओं का अवर्ण्य नाम किसने रखा होगा? इसके जवाब में थरूर ने फ्लॉकी नॉकनी हिली पिलीफिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया। उनके इस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद कई ट्विटर यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई कि इस शब्द का उच्चारण और अर्थ क्या होगा। शशि थरूर का जिक्र करते हुए केटीआर ने एक और ट्वीट में कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस लीडर की नामों के चयन में अहम भूमिका हो सकती है। थरूर को टैग करते हुए केटीआर ने लिखा, मुझे संदेह है कि शशि थरूर जी का इसमें पक्का कोई रोल है। इस शब्द के ट्विटर पर आते ही लोगों ने इस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में देखना शुरू कर दिया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इस शब्द का अर्थ है किसी चीज को बेकार मानने की आदत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।